द बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा वीडियो मायापुर इस्कॉन मंदिर को लेकर है। अगर आप भी यहाँ पर आने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखिए। तो ये रहा मायापुर इस्कॉन मंदिर, और इसके अंदर जाने का मेन रास्ता यही है। तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। और ये रहा वो नया मंदिर जो अभी भी तैयार हो रहा है, द बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो अंदर जाने के बाद ही आप लोगों को ऐसा बहुत सारी दुकान और ऐसा भीड़ देखने को लिए मिलेगा। और ये रहा इस मंदिर का मैप, मतलब आपको मैप देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका इलाका बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर एक फॉरेनर वर्ग अपनी लैंग्वेज पे कुछ आध्यात्मिक बातें शेयर कर रहे थे और बाकी सब लोग यहाँ सुन रहे थे। तो इस पे आप लोग गौशाला जा सकते हैं, और इसका भाड़ा भी ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये। और ये गौशाला की कुछ फोटो है, आप लोग देखिए। और ये वाला प्लेस जो आप देख रहे हैं, शाम को यहाँ पर आरती होता है। और ये वाला पेड़ पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट पर बताइए। और एकदम मंदिर के सामने ही ये वाला जो प्लेस है, यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं और यहाँ पर लोग रात को भी रहते हैं, और इसके पीछे ही बाथरूम का भी व्यवस्था है। तो अभी दोपहर है और अंदर सब लोग विश्राम कर रहे हैं, बाहर भी। सामने मंदिर है पुराना इस्कॉन, और ये नया बन रहा है, 14 साल हो गया है इसको बनाते हुए, और 1 साल लगेगा, 2024 में ये खुलेगा। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। और फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर बैठे हूँ, यहाँ पर धूप नहीं है इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। वाओ, इस गार्डन को देखिए, कितना सुंदर और पीसफुल है, और अंदर किसी प्रभु का समाधि है। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा और कुछ ऐप पर जमा देकर हम लोग जाएंगे अंदर। तो अब देखकर आते हैं और आपको बताएंगे बाद में अंदर क्या क्या था, वीडियो देखकर। तो मंदिर के अंदर आप लोगों को पॉजिटिव, पीसफुल एंड स्पिरिचुअल फील मिलेगा।
देखिए रात के अंधेरे में मंदिर को कैसा लगता है। तो अभी शाम का समय है, आप लोग देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर है। और अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। घूमेंगे आसपास, देखिए देखिए। यहाँ पर संध्या आरती हो रहा है। तो एक गाथा भवन है, आप लोग यहाँ का कूपन लेकर यहाँ का महाप्रसाद खा सकते हैं। तो कल दोपहर को हम लोग यहाँ पर महाप्रसाद खाएंगे। तो कितना ज़्यादा भीड़ और इस भवन का अंदर का माहौल क्या है आप लोग देखना बाद में वीडियो में। तो मंदिर के अंदर ही ऐसा बहुत सारी कुटी है जहाँ पर आप लोग बहुत ही कम रुपये के विनिमय में रह सकते हैं। हम लोग वहाँ पर ही ठहरे थे। 1972 में श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन में मात्र 3 एकड़ जमीन पे इस भजन कुटीर से इस्कॉन का हेडक्वार्टर शुरू किया था। और अभी इस्कॉन का टोटल इलाका है लगभग 600 एकड़। तो अंदर एक थिएटर भी है जहाँ पर आप लोगों को एक 20 मिनट का आध्यात्मिक शो देखने के लिए मिलेगा और टिकट है 40 रुपये। नया जो इस्कॉन मंदिर बन रहा है ये उसका सामने वाला इलाका है जो अभी भी तैयार हो रहा है। 2009 से ये नया मंदिर बनाना शुरू हुआ था। गौदा भवन पे प्रसाद खाने के लिए लाइन देखिए, हम लोग आधा घंटे लाइन पर खड़े हैं। यहाँ पर भीड़ देखिए कितना ज़्यादा, पीछे लाइन देखिए अनेक लाइन बहुत ज़्यादा लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइन। पैसे से कूपन लेने पर भी इतना ज़्यादा फीस बहुत ज़्यादा है। आज होली के लिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया। हाँ हाँ होली के लिए और 2 दिन। देखिए भवन के अंदर प्रसाद खाने का जगह, यहाँ पर कैपेसिटी बहुत है, एक बार में बहुत लोग बैठ सकते हैं। होली जितना करीब आ रहा था भीड़ भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा था, आप लोग देखिए भीड़। तो हमें तो मायापुर इस्कॉन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी समय निकल कर एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो हमारा निकलने का वक्त आ गया, हम लोग होली से 2 दिन पहले निकले हैं। तो गाइस आज हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं और जेठू। तो मायापुर में इस्कॉन में बहुत अच्छा लगा, 2 दिन रहे हम लोग। तो आप लोग तो वीडियो देखे होगा कैसा लगा। अभी हम लोग ऐसे निकलेंगे, निकलने के बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो
तो गाइस हम लोग अभी इस्कॉन से निकल चुके हैं, तो जैसे मैंने बोला वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं अगले वीडियो का एंड।